कोई नेता हो, विधायक हो, वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं करवा सकता बीजेपी के। तस्वीर तो फिर बादलपुर की नहीं, पूरे क्षेत्र की ही बदल जाएगी, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है, शासन का अच्छा था। मोदी अमित शाह दो के अलावा तीसरे किसी नहीं है, क्या हो? जो प्रॉपर जितना पहले विकास हुआ था मायावती की सरकार में, यदि प्रॉपर उसकी देखरेख भी होती, वो तो कांग्रेस डूबी है, सपा डूबी है, तो इसलिए कोई नेता बीजेपी में या कांग्रेस या सपा का जो बोलता है बादलपुर से, उसकी थोड़ी ज्यादा तवज्जो होती है, क्योंकि मायावती के गांव का है। काम ना उस पर हो रहा, ना उस पर हो रहा, किसी ना सपा वाला करवा पा रहा, ना बीजेपी वाला करवा पा रहा। अगर कोई काम मायावती के अलग हटने के बाद भी तो कोई विकास करके दिखाएं, तब तो हम माने कि भाई बीजेपी में हम चले गए। अब जो सतवीर गुर्जर था वो बीजेपी में चला गया, बसपा का सुरेंद्र नागर था वो बीजेपी में चला गया, नरेंद्र भाटी था वो बीजेपी में चला गया। यही चुनिंदा नेता थे हमारे, ये डर के गए हैं, खुशी में गए हैं, अपने आपे से गए हैं, वो तो जाना ही है। अब एक बार तो कोई कहता कि सपा की वोट दो, हमारे नेता एक बार कहता बसपा की वोट दो, पिछली बार बसपा की दी, दोबारा वो चले गए सपा में, सपा की दे दी, अब के तीसरी बार बीजेपी में चले गए तो बीजेपी में दे दी। तो ये तो पार्टी बदलते रहते हैं नेता, तो इनके कारण हमें बदलनी पड़ती है, क्योंकि हमारे नेता हैं। कायदे में तो मायावती सबसे अच्छी थी, मायावती अगर दोबारा आती तो यह बहुत अच्छा होता। अब ऐसा हो गया, ना तो हुआ ना हुआ, हुआ कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से बसपा पार्टी एकला चलो की राजनीति कर रही है, तो क्या बादलपुर अपनी गांव की बेटी का साथ देगा? हाँ देगा, 70% देगा, 70% देगा। क्षेत्र ने तो पिछली बार भी दी है, वो तो कांग्रेस डूबी है, सपा डूबी है। मान लीजिए जिस तरीके से विधायक पहले जीतता था, जितनी वोट पे पहला विधायक जीता था उतनी वोट तो सब भी मिली है हारने वाले को, थोड़ी सी तो कम हुई है, जिसमें बीजेपी की लहर भी है, बीजेपी की लहर भी तो है, तो वोट तो उसे उतनी मिली है विधायक को, पर वो जो सपा के कांग्रेस की जो वोट थी वो डाउन हो गई, इसलिए विधायक हार गया, अब वो विधायक भी हार हुआ बीजेपी में चला गया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो राजनेताओं का दल बदल करना है, सत्ता में परिवर्तित नेताओं के बीच में आना, कुछ बात नहीं कह सकते, अगर उन बातों को कही जाएगी तो एक कंप्लेंट हमारे नाम भी होगी, ना आप कुछ पर कर पाओगे नहीं हम कर पाओगे। जो भी किसी भी पार्टी का नेता है, चाहे सपा का है, कांग्रेस का है, बसपा का है, आप पार्टी का कोई भी है, आप तो खैर हमारे यहाँ नहीं है अभी, अगर इनमें से कोई भी बड़ा नेता, अच्छा नेता विपरीत बोलता है तो वो जेल जाएगा। अच्छा, ये भी स्थिति यहाँ पर है, ये भी स्थिति है। क्या कहेंगे, इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल हम इस बात से सहमत है, यही होता आ रहा है विकास के नाम पे, तो हमको अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। जो प्रॉपर जितना पहले विकास हुआ था मायावती की सरकार में, यदि प्रॉपर उसकी देखरेख भी होती तो भी हमें कोई शिकायत होती नहीं इस चीज़ से। दरअसल बात तो ये है कि विकास हुआ मायावती की सरकार में, विकास हुआ उनके सत्ता के जाने के बाद, तो विकास के नाम पर तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। और रहे हमारे ये क्षेत्रीय नेता, आज इस पार्टी से उस पार्टी में, जैसा कि भैया ने बताया, तो ये हम सब लोग इसी को देखते रहे हैं। और आपके सामने जो स्थिति है गांव की वो दिख भी रही है, विकास के नाम पे तो कुछ ऐसा नया हुआ नहीं है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, जैसे मैं लगातार ये बात कह रही हूँ, 2024 नज़दीक है, बसपा अकेले दल लड़ रही है, अगर वो सीएम पद पर इतना काम कर सकती हैं और अगर उनको प्रधानमंत्री बतौर बनाया जाता है, तो क्या लगता है बादलपुर की वो तस्वीर बदल जाएगी? तस्वीर तो फिर बादलपुर की नहीं, पूरे क्षेत्र की ही बदल जाएगी, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। शासन का अच्छा था, ठीक था, विकास भी यहाँ पे काफ़ी हुआ है, पर उनके जाने के बाद कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो सत्ता से एकदम दूर हटती गई, सारी चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है बादलपुर को लगता है काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। खामियाजा बादलपुर को नहीं, पूरे क्षेत्र को झेलना पड़ रहा है। हाँ, क्या फायदा है बीजेपी से? एक ही फायदा है बीजेपी में, सबसे अच्छी एक तो गुंडागर्दी खत्म की है। हाँ। जो रोड पर थे वो उठाई गिर, किसी का कुछ छीन लिया, किसी का कुछ छीन लिया, किसी से हेलमेट ले लिया उसके पैसे नहीं दिए, किसी से सिगरेट की डिब्बी ले ली उसके पैसे नहीं दिए, किसी से खाना खा लिया उसके पैसे नहीं दिए जो मजदूरी काम करते थे, हर छोटी से छोटी दुकान पर दिक्कत थी। अब इतना है कि कोई भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं है, सब आराम से खा कमा रहे हैं। रही विकास की बात, विकास तो सब अपने अपने क्षेत्र को चाहते हैं, गौतम बुद्ध नगर का कोई विकास नहीं हो रहा। जो भी विकास हो, जितनी ज़मीन हमारी अथॉरिटी ने खरीदी है उसका 1% का लाभ का भी विकास करे वो, तब भी बहुत विकास हो जाएगा।
वो 1% का 0% भी नहीं कर रही। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर जिस तरीके से बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, लेकिन बादलपुर में उस विकास की कोई भी लकीर नहीं दिखी। नहीं है उत्तर प्रदेश में, कहीं नहीं है बीजेपी का। उधर ही आती हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश, हाँ बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नेता, कोई नेता हो, विधायक हो, वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं करवा सकता बीजेपी के। बीजेपी से भी विधायक है ना, तो अपने क्षेत्र में विकास नहीं करवा सकता। अच्छा, वो एक वहाँ बीजेपी में दो ही नेता है, वो कहेंगे वही होता है। विधायक की दम नहीं है जो अपना रोड बनवा ले, और कोई उत्तर प्रदेश में सिंगल रोड बनवाया हो किसी विधायक ने। अच्छा, छोटा सा जो छोटा गाँव का मार्ग है वो भी बनवाया हो कहीं, सिंगल कोई नहीं बना सकता। तो मतलब सब ऊपर से ही, ऊपर से एक ऊपर से ही चाबी भरी जाती है। मोदी अमित शाह, दो के अलावा तीसरे किसी नाम नहीं है, क्या होगा गे? अच्छा, और योगी जी हैं मैन योगी जी है, पर योगी जी के मंत्री भी है ना, जो जितने भी है मान लो मंत्री, उनकी भी नहीं चलती है। अच्छा, के ये काम करवा लो। अच्छा, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कैसा दिखता है? बढ़िया, देखो ना अभी क्या मार, देखो क्या हाल हुआ है देवरिया में, क्या हाल हुआ है देखो। उसमें पुलिस ने FIR नहीं लिखी, अरे उस पार्टी जो दूसरे मतलब निबंध थे उनकी FIR नहीं लिखी पुलिस ने, और तो अब मर गए छे। अब वहाँ पूरे नेता पर वो पड़े, मंत्री और नेता सब पड़े हुए, अगर प्रशासन पड़ा हुआ है, उससे पहले पुलिस ने क्यों नहीं सुनवाई करी वहाँ पे? उस टाइम पहले यदि पुलिस सुनवाई कर लेती तो ये 5-6 की मौत नहीं होती ना, 5-6 की मौत नहीं होती उस टाइम सुनवाई कर ली जाती तो थाने में सुनवाई नहीं होती है। कोई भी पहुंच जाए थाने में सुनवाई नहीं होती है, पैसा दे तो थाने में सुनवाई हो जाएगी, या बड़ा मंत्री कोई फोन करेगा तो सुनवाई हो जाएगी। अब कहाँ सुनवाई होती है, किसी गरीब आदमी को सुनवाई नहीं होती थाने के अंदर कहीं। लेकिन अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, उत्तर प्रदेश की अगर सत्ता पे बात की जाए तो यहाँ पर सपा ने भी राज किया है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा, सपा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने विकास के मामले में कोई काम नहीं किया, किसी ने। मायावती के राज में विकास भी हुआ था और गुंडागर्दी भी खत्म हुई, ऐसी बात नहीं है गुंडागर्दी। अब ये रही विकास के मामले में, सपा से ज्यादा किसी ने नहीं किया, सपा से ज्यादा किसी ने नहीं किया। अगर बात की जाए तो बसपा पार्टी के कानून व्यवस्था को लेकर के बात कही जाती थी, बहुत अच्छी रहती थी, उससे कितना आप संतुष्ट? 100 में 100%। सीएम योगी की कानून व्यवस्था से बेहतर बसपा पार्टी की? हाँ, बसपा पार्टी की मतलब जो है सीएम से ज्यादा, योगी से ज्यादा थी, 100 में 100 भारतीय जनता पार्टी से बेहतर थी बस। यहाँ कहाँ ये योगी ने किया क्या है? कहाँ ये कानून व्यवस्था कहाँ ठीक है बताओ ना, कितने मर गए, कहाँ है ठीक कानून व्यवस्था? केवल दहशत बनाते, ये दहशत है एक ओनली। अरे किया क्या है? एक भी व्यवस्था बताओ पुलिस के लिए क्या किया? 100 नंबर को 100 क्या किया है? वो 100 नंबर लेने वाले सपा में लाए थे, अखिलेश लेके आए, उन्होंने व्यवस्था जो ठीक करी थी वो तो वहीं से व्यवस्था ठीक हो गई थी। इन्होंने किया क्या है? बादलपुर के ही रहने वाले हैं आप? है? यही बादलपुर से ही? हाँ जी। अच्छा, तो आपके गांव का कितना कुछ? कुछ नहीं हुआ विकास, बस ऐसे ही पड़ा हुआ सब। जितना बहन जी करा तक साफ करने वाले नहीं आते हैं, बस बहन जी जो करा गई। हाँ वही है बस, और कुछ होता ही नहीं है, नाली तक नहीं साफ हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, पार्षद कुछ नहीं होता, कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई ध्यान।